अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट बायोलॉजी, आई एम मुर्तजा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब महफूज करना और तहफ़ देना माहौल को। आपको पता है जो है ना, वर्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, सही है। अभी एनवायरनमेंट होता क्या है? एन ऑर्गेनिज्म लिव इन व्हिच सराउंडिंग, सही है। अभी जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके जो गिर्द होता है वो एनवायरनमेंट होता है। ऑर्गेनिज्म्स जहाँ पर भी रहता है उसके गिर्द जो भी होता है वो उसका क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। अभी देखें, महफूज करना और तहफ़ देना अपने माहौल को। अच्छा, अभी क्या है कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हैज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो होता है ना ऑफ अ मैन फॉर द मैनी ईयर्स। अभी जो आलूदगी जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है ना मसला है इंसान ज़ात के लिए कई सालों से। अब पॉल्यूशन क्या होता है, सही है ना, अनवांटेड चेंजिंग जो होती है, क्या होती है? अनवांटेड चेंजिंग अकरिंग इन एनवायरनमेंट, वो क्या कहलाती है? पॉल्यूशन। अभी अनवांटेड जो चेंजिंग जो होती है ना वो क्या कहलाती है? वो जो है ना पॉल्यूशन कहलाती है। जो गैर नासाजगार तब्दीलियां जो भी आती हैं वो पॉल्यूशन कहलाती है, सही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एसिड रेन है, स्टोन कैंसर है, और प्लस में क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी एसिड रेन, ये भी एसिड रेन जो होती है वो होती है तेजाबी बारिश। उसके बाद क्या है? स्टोन कैंसर, मतलब जंग लग जाना, जो पत्थर वगैरह होते हैं जैसे स्टैचू वगैरह होते हैं, सही है। और जो थर्ड जो है ना वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी एसिड रेन बोलते हैं मतलब कि तेजाबी बारिश, सही है। अभी देखें, कुछ एसिड्स जो होते हैं ना वो बनते हैं, और वो एसिड्स क्या करते हैं? वाटर वेपर्स के साथ जो है ना वो जुड़ जाते हैं, और वाटर वेपर जब क्लाउड बनाते हैं तो रेन होती है, बारिश होती है। तो उस बारिश के साथ क्या होता है? वो एसिड आता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड जो होती है ना रेन कहते हैं, मतलब तेजाबी बारिश। अभी एसिड रेन क्या करता है? अगर एसिड रेन, तेजाबी बारिश अगर किसी भी जो है ना मतलब स्ट्रीम वगैरह या रिवर में गिरती है ना, तो उसकी पीएच को चेंज कर देती है। मतलब नदियाँ होती हैं या दरिया होते हैं, उसके अंदर गिरता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर वो बारिश गिरती है ना, बारिश का पानी गिरता है तेजाबी बारिश का, तो उसका जो पीएच होता है ना वो चेंज हो जाता है वाटर का, जिसके नतीजे में क्या होता है? जो आबी जानवर होते हैं ना उनकी मौत का सबब बनता है। तो वो जो होता है ना वो क्या होता है? एसिड रेन, तेजाबी बारिश। स्टोन कैंसर होता है, सही है ना, ये पॉल्यूशन की वजह से होता है। मतलब स्टैचू जो होते हैं जैसे ही बने हुए होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स जो होती है ना उनके अंदर क्या आ जाती है? चेंजिंग आ जाती है, सही है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है ना हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आर द ग्रीन हाउस जो होता है ना इफेक्ट कहलाता है। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट आर द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो बढ़ जाती है, सही है। मतलब CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, तो वो जो है ना वो क्या कहलाता है? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और द ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना तो वो क्या करती है? वो एक लेयर बना देती है, सही है। अभी जो रेजिस वगैरह या जो भी वो ज़मीन पर आती है ना तो वो वापस नहीं जा पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर्स जो होती है ना वो क्या करती है? उसको बैकअप होने नहीं देती। और यहाँ पर जो है ना ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है ना अर्थ का, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, इससे जो
टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन जो होती है ना वो बढ़ रही होती है। इसी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग या जो होता है ना ग्रीन हाउस क्या होता है इफेक्ट होता है, ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा उसके बाद जो है ना ये जो है ना ये चीज़ें बढ़ती रह रही हैं, जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ रही है ना वैसे वैसे ये चीज़ें जो है ना वो भी बढ़ती जा रही हैं। सही है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपको पता है जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह जो इंजन वगैरह जो हम चलाते हैं इनमें जो ऑटोमोबाइल होते हैं सारा का सारा ये इसी में ही आ जाता है। अच्छा मैनी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की जो भी है ना वो टॉक्सिक होती है। सही है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या होती है वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो जो होती है ना वो क्या होती है टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक मतलब उनमें जो है ना पॉइजन्स मतलब जहरीली होती है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, अभी दीज टॉक्सिक वेस्टेस हैव अ पॉल्यूटेड अवर एयर लैंड जो है ना एंड वाटर, वो जो होती है ना वो क्या करती हैं वेस्टिस या वो जो टॉक्सिक जो होते हैं ना जो आलूदा कर देते हैं किसको हमारे पानी ज़मीन और जो हवा होती है ना उसको। सही है, थ्रेटनिंग नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट आल्सो अदर लिविंग फॉर्म्स, ना कि खाली इंसानों के लिए ख़तरा होता है मगर जो दूसरे जो जानदार होते हैं ना उनके लिए भी क्या होता है ख़तरे का जो है ना सबब होता है। इट इज़ इन दिस रिगार्ड इम्प्रूवड एंड इफेक्टिव जो है ना बायोलॉजिकल मेजर्स हैव बीन टेकन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सही है, अभी इसी को रखते इसी को देखते हुए ना मुख्तलिफ जो है ना टेक्निक्स और मुख्तलिफ क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं ताकि जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स को जो है ना पहचाना जा सके कौन से सोर्स हैं जो ये काज करवाते हैं, मतलब ये पॉल्यूशन को पॉल्यूशन काज करवाते हैं ना उनको देखा जाए उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड जो है ना टेक्निक्स हैज़ बीन डिवाइस टू हेल्प प्रिवेंट एंड जो है ना सोर्स रिड्यूस द पॉल्यूशन। और टेक्निक्स जो है ना वो क्या की जाए टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जिसके ज़रिए ये जो पॉल्यूशन जो है ना उसको हम कम से कम जो है ना कर सके। तो ये सारा का सारा जो है ना ये इसी में ही आता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में। अच्छा अभी मैनी जो है ना एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कटिंग द ट्री, सही है रिमूव द फॉरेस्ट। या टू कट द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन डी मीन्स आउट या जो है ना अभी डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना हैज़ बीन डिस्टर्ब द बैलेंस जो है ना ऑफ द नेचर विथ अ कैटास्ट्रॉफिक जो होते हैं ना रिजल्ट्स। देखें अभी इंसान की जो एक्टिविटी है ना जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया उसके बाद सेकेंड में क्या होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है सन्नती जो भी ये सनतें वगैरह जो लग रही हैं जो मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं ये क्या कर रही हैं ये जो नेचर का जो बैलेंस है ना उसको डिस्टर्ब कर रही हैं जिसके क्या हो सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स, मतलब तबाहकुन जो होते हैं ना नतीजे जो है ना इसके निकल सकते हैं। टू मेंटेन अ स्टेबल एंड बैलेंस जो है ना इकोसिस्टम इट इज़ मच वेरी नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व जो है ना एनिमल्स एंड प्लांट जो है ना लाइफ। सही है, अभी क्या है मतलब इसको स्टेबल और बैलेंस रखने के लिए ना इकोसिस्टम को ये ज़रूरी है कि हम महफूज करें और तहफ़ दें जानवरों और जो पौधे होते हैं ना वो उनकी लाइफ को। सही है, अभी इकोसिस्टम क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था इकोसिस्टम जो होता है वो हमारा होता है वर्किंग यूनिट। क्या होता है वर्किंग यूनिट आर द फंक्शनल यूनिट जो होता है ना वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। सही है, वर्किंग सिस्टम जो होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। अच्छा उसके बाद जो है ना टू कंजर्व एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज, अभी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अ पार्क हेल्प टू रिड्यूस द सॉइल इरोशन।
अभी बागात और जो जंगलात होते हैं ना उनको महफूज करने से क्या होगा कि सॉइल अरोशन एंड फ्लूडिंग, मतलब सैलाब और जो ज़मीनी कटाव होगा ना वो कम हो जाएगा। सही है, इट इज़ जो है ना मेडिकल जो है ना और अदर इट आल्सो ऑफ साइंटिफिक वैल्यू एज इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल और अदर इम्पोर्टेंस। सही है, इससे क्या इनकी जो होती है ना एक साइंटिफिक वैल्यू होती है जिससे हमें एक यूज़फुल जो है ना इंफॉर्मेशन मिलती है मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्या होती है जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। सही है, और अदर इम्पोर्टेंस या दूसरी अहम जो होती है ना इम्पोर्टेंस वो भी। तो ये जो था ना ये हमारा टॉपिक्स था कौन सा, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा अभी नेक्स्ट जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड जो है ना क्या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंड जो है ना एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सही है, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब जिसको क्या कहते हैं IDM, IDM का फुल फॉर्म या इसको हम ना IPM भी कह सकते हैं। IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब अभी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट और जो है ना इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब कैसे जो है ना कोई भी डिजीज़ वगैरह हो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने के जो है ना दो तरीके होते हैं, आइदर थ्रू द लाइफ जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, और आइदर थ्रू द केमिकल्स जिसको हम क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स। सही है, अभी पेस्टिसाइड्स क्या होती है, अ पेस्टिसाइड्स अ सबस्टेंस व्हिच जो है ना व्हिच किल द पेस्ट कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है जो पेस्ट को किल करता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स कहते हैं। सही है, फंगीसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ किल द इंसेक्ट्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स फंगीसाइड्स। सही है, अभी वो सबस्टेंस जो क्या करे जो फंगस को किल करे ना तो वो क्या कहलाएगा, वो फंगीसाइड्स कहलाएगा। अभी IPM या IDM, IDM फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कैसे जो है ना कोई पेस्ट आ जाए। पेस्ट क्या होता है, व्हाट इज अ पेस्ट, पेस्ट एक्चुअली मतलब दोज इंसेक्ट्स दे हैव अ डैमेज टू अवर क्रॉप्स।
सही है। अभी वो जो है ना इंसेक्ट्स जो क्या करें, जो हमारी जो है ना क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम पेस्ट कहते हैं। जैसे अभी रिसेंट में जो भी पेस्ट आई हुई है जिसको लॉक्टस कहते हैं आप, उसको उर्दू में माकड़ कहते हैं, माकड़, या उर्दू में उसको टिड्डी दिल भी बोलते हैं, टिड्डी दिल, सही है, लॉक्टस, लॉक्टस जो होती है ना, ये ग्रीग्रियस पेस्ट होती है, ग्रीग्रियस पेस्ट। ग्रीग्रियस पेस्ट वो प्रेस्ट जो पेस्ट जो झुंड में उतरती हो, एक नहीं मतलब हजारों लाखों करोड़ों में हो, मतलब एक एट ए टाइम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, सही है ना। तो वो जो होती है ना वो क्या कहलाती है, वो ग्रीग्रियस जो होती है ना पेस्टिस होती है। तो लॉक्टस ग्रीग्रियस पेस्ट है। अब इसको कंट्रोल करना थ्रू द जो है ना पेस्टिसाइड्स के जरिए, मतलब केमिकल्स का जो है ना स्प्रे करना उसके ज़रिए होता है, सही है। द यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू कॉम्बैट पैथोजन इज़ वेरी हेल्पफुल, सही है। अभी मतलब कह रहा है कुदरती जो है ना प्रोसेस को इस्तेमाल करना पैथोजन के लिए बहुत कारामद है। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोस का मतलब होता है डिजीज़, जिन का मतलब होता है टू जनरेट, जो बीमारियां फैलाते हैं ना उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। पैथोस मीन्स डिजीज एंड जिन मीन्स टू जनरेट, सही है। जो क्या करें, जो बीमारियां फैलाते हैं ना तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। अच्छा, इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस नेचुरल एनिमीज इनटू इट्स एनवायरनमेंट। इसमें हम क्या करें, हम जो है ना नेचर पैथोजेंस के जो है ना जो डिजीज़ फैलाते हैं ना उनके जो मतलब के कुदरती जो उनके दुश्मन है ना उनको हम दाखिल करें उस माहौल में। इन केस ऑफ मलेरिया, देखें बात सुने, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब ये होता है कि लाइफ को लाइफ से कंट्रोल करें, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लाइफ को लाइफ से ही कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू था, मलेरिया के ज़रिए लोगों की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू द मलेरिया, सही है। अब मलेरिया जो है ना उसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सही है। अभी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ना उसकी वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, सही है। अब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ना वो क्या करती है, वो मलेरिया कास करवाती है। मलेरिया जो होता है ना वो किसके ज़रिए होता है, प्लाज्मोडियम के ज़रिए, क्या इसके ज़रिए, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या है, प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो है ना फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, सही है। अभी ये जो है ना ये प्लाज्मोडियम इसका वेक्टर है। अभी हम क्या करेंगे, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो अपने एग ले करती है ना वो वाटर में करती है, किस में करती है, वाटर, सही है। एग के बाद इसका क्या बनता है, लार्वा, लार्वा के बाद इसका बनता है पूपा, और फाइनली क्या बनता है इसमें, एडल्ट, सही है। अभी सुने, जो लार्वा है ना वो क्या होता है, वो फीडिंग स्टेज होती है, लार्वा क्या होती है, फीडिंग स्टेज, एंड द पूपा जो होता है वो होती है नॉन फीडिंग स्टेज, क्या होती है, पूपा जो होती है वो नॉन फीडिंग स्टेज होती है, और जो लार्वा जो होती है ना वो होती है फीडिंग स्टेज। अच्छा, लार्वा जो होता है वो क्या करता है, वाटर में होता है, हम क्या करते हैं, हम नेचुरल एनिमीज जो है ना वो छोड़ देते हैं पानी में, मतलब छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं ना वो हम पानी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं वाटर में, तालाब जो पॉन्ड जहाँ पे ये अपने क्या करती है, एग ले करती है ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है ना हम इसके नेचुरल एनिमीज जो होते हैं ना वो छोड़ देते हैं। अभी नेचुरल एनिमीज क्या, नेचुरल एनिमीज मतलब उसके जो मतलब कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर उसके जो दुश्मन है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो मछलियाँ छोटी छोटी जो होंगी ना वो लार्वा को खा जाएंगी,
लार्वा उसका जो है वो ईट कर जाएंगी, जिसके नतीजे में प्यूपा नहीं बनेगा एडल्ट, मतलब जो फीमेल एनोफिलीज जो है ना ये कम हो जाएगी। अगर ये कम होगी तो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने वाला कोई और होगा ही नहीं, तो जिसके नतीजे में ये जो मलेरिया जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, लाइफ को लाइफ के ज़रिए क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सही है। इन केस ऑफ मलेरिया जो है ना, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल फिश इन पॉन्ड्स एंड डिशेस हैज़ बीन एन इफेक्टिव मेथड टू मिनिमाइज द ग्रोथ ऑफ लार्वा। सही है। मिसाल के तौर पर जो है ना, हम एक मलेरिया का केस लें, इसमें हम क्या करते हैं, हम छोटी मछलियाँ जो होती हैं ना तालाब और जो खड्डे होते हैं ना उनमें जो है ना क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो ग्रोथ जो होती है ना लार्वा और प्यूपा की, सही है ना, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। सही है ना। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व एक्सपोजिंग देम टू प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स। सही है ना। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल जो होता है ना, इसमें क्या करता है, इसमें प्रीडेटर और जो पैरासाइट्स होते हैं ना उनको यहाँ करते हैं, एक्सपोज करते हैं। अच्छा, अभी उसके बाद जो है ना सेकेंड जो मेथड है, सही है, वो होता है क्रॉप रोटेशन। अभी IPM जो है, क्या है IPM, अभी IPM में भी जो है ना दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं जो है ना पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अभी एक जो मेथड होता है ना, IPM प्रोवाइड टू टू बेसिक जो है ना टूल्स टू कंट्रोल पेस्ट। अभी IPM का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सही है। वो क्या होती है, वो जो है ना IPM होती है, IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सही है। अभी प्रोवाइड द टू बेसिक जो है ना टूल्स टू कंट्रोल द जो है ना पेस्ट, मतलब दो टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं पेस्ट जो होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट जो होती है ना वो होती है इंटरप्लांटिंग। क्या होती है, इंटरप्लांटिंग। और सेकंड जो होती है ना होती है क्रॉप रोटेशन। अभी इंटरप्लांटिंग क्या होता है, इंटरप्लांटिंग मतलब एक जो एरिया है, क्या है, एक जो एरिया या एक जो जगह है ना, एक एरिया में हम क्या करते हैं कई प्लांट्स जो है ना कई इकसाम के प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, तो वो जो होता है ना प्रोसेस कहलाता है क्या, इंटरप्लांटिंग कहलाता है। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े में ना हमने क्या सब्जियां उगाई हैं, अभी मुख्तलिफ सब्जियां उगाई हैं, मतलब एक नहीं उसके अंदर हमने जो है ना लेडी फिंगर जो है उसको भी लगा दिया, जैसे भिंडियाँ वगैरह होती हैं, ब्रिंजल जो होता है, सही है, जो ब्रिंजल मतलब जो बैंगन वगैरह होता है वो भी लगा दिया, उसके बाद हमने जो है ना सब्ज़ी में और भी लगा दिए, मतलब तीन चार सब्जियां मिक्स करके ना एक ही एरिया में लगा दिया, तो वो इंटरप्लांटिंग होता है। मतलब मुख्तलिफ जो प्लांट्स होते हैं ना वो हम क्या करते हैं, वो एक ही एरिया में लगाएं, तो वो इंटरप्लांटिंग कराती है। सही है। अ ग्रोइंग प्लांट्स इन क्लाइमेट दैट आर अनसुटेबल फॉर पैथोजन कैन कंट्रोल द प्लांट डिजीज। अभी प्लांट्स ग्रो मतलब प्लांट्स को जो है ना उन इन्वायरमेंट में ग्रो करवाएं जो पैथोजिन के लिए क्या हो, अनसुटेबल होना, तो वो जो होता है ना वो कंट्रोल द प्लांट डिजीज़, जो क्या करता है प्लांट बीमारियां जो होती है ना पौधों में उसको कंट्रोल करने का सबब बनता है। अब इंटरप्लांटिंग, इंटरप्लांटिंग क्या है, एज इट स्टिम्युलेट द कंडीशन इन द नेचुरल इकोसिस्टम बाय लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ कैन आल्सो बी कंट्रोल। इंटरप्लांटिंग एक ऐसी कंडीशन होती है नेचुरल इकोसिस्टम में जिससे जो इन्फेक्शन डिजीज़ होती है ना उसको रोकने में, उसको फैलने से रोकने में जो है ना मदद करती है। सही है। ए अनदर इफेक्टिव मेथड इज जो है ना इज इराडिकेशन जो है ना डिजीज़ इज अचीव्ड बाय द क्रॉप रोटेशन। और एक दूसरा मेथड जिसके ज़रिए हम बीमारी को जड़ से उखाड़ दें, इराडिकेशन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना,
जो दूसरा जो मेथड होता है ना वो कौन सा होता है? सही है, वो जो होता है हमारा जो है क्रॉप रोटेशन होती है। अब क्रॉप रोटेशन क्या होती है, मतलब एक एरिया में आपने एक फसल लगाया ना तो क्या करेंगे फिर जो है ना उस एरिया में वो फसल नहीं लगाएंगे, फिर आप कोई दूसरी फसल लगाएंगे ताकि वहाँ पर जो उसका जो पेस्ट होगा ना वो वहीं पर मौजूद होगा। अगर आपने फिर वही फसल लगाई तो वो क्या होगा, वो फसल सही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पहले से ही पेस्ट जो होगा ना वो मौजूद होगा। तो उस पेस्ट को जो है ना कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, वहाँ पर दूसरी जो है ना फसल जो है या दूसरी क्रॉप्स लगा देंगे ताकि उसका जो पेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। सही है, अभी देखें, इज अचीव्ड बाय द क्रॉप रोटेशन। सही है ना, जो हासिल होता है क्रॉप रोटेशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग जो है ना डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम ग्राउंड। सही है, अभी हम क्या करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो क्रॉप्स होती है ना वो सेम ग्राउंड एक ही जो है ना ग्राउंड ज़मीन पर लगाते हैं। सही है, इन सक्सेसिव जो है ना ईयर्स रेदर दैन रिपीटेडली ग्रोइंग वन आफ्टर द ईयर, मतलब हर जो है ना हर दफ़ा जो है ना हम क्या करते हैं उस एरिया में ना वो जो फसल जो होती है ना उसको चेंज करते रहते हैं, उसकी जगह पर दूसरी लगाते रहे। थ्रू क्रॉप रोटेशन द चांस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द पर्टिकुलर पैरासाइट वीड्स अफेक्टिंग द क्रॉप इज रिड्यूस। इस क्रॉप रोटेशन के ज़रिए क्या होगा, जो एक खास जो वीड्स होती है ना जो अफेक्टेड होती हैं क्रॉप्स पर वो कम हो जाएगी। वीड्स क्या होती हैं, वीड्स यूजलेस, क्या यूजलेस जो ग्रास होता है ना उसको हम कहते हैं क्या, वीड्स कहते हैं, मतलब कि यूजलेस ग्रास जो होती है वो क्या कहलाती है, वीड्स कहलाती है। मोर एवर सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्या होता है कि ज़मीन की जो जरखेज़ी होती है ना, सही है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोडक्शन अ क्रॉप ऑफ लिग्यूमस फैमिली। अगर हम क्या करें, सॉइल ज़मीन की जरखेज़ी और भी बढ़ेगी अगर हम वहाँ पर जो होते हैं ना लिग्यूमस फैमिली, लिग्यूमस फैमिली जो है ना जो फलियाँ देने वाली, अच्छा लिग्यूमस फैमिली जो होती है ना जो पी जो बीन जो फलियां देते हैं, सही है, बीन फैमिली मतलब जो फलियां देने वाले जो होते हैं, सही है, तो वो जो होती है ना वो लिग्यूमस फैमिली। आपको पता है लिग्यूमस फैमिली जो होती है ना इनकी जो रूट्स होती हैं क्या होती हैं, लिग्यूमस फैमिली की जो रूट्स होती है ना वो नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं, क्या होती हैं, अभी नोड्यूलेटेड रूट्स जो होती है ना मुड़ी हुई, मतलब ऐसे जैसे गांठ बांधी हुई किसी चीज़ में, सही है, वो नोड्यूलेटेड क्या होती हैं रूट्स। इनके अंदर नोड्यूलेटेड रूट्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपको पता है ये जो प्लांट कभी भी जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कभी भी यूज नहीं कर सकता, N2 फॉर्म जो होती है ना कैन नेवर बी यूज्ड। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होता है ना प्लांट कभी भी यूज नहीं कर सकता, सही है ना, तो नाइट्रोजन को जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सही है ना, तो प्लांट जो होता है ना वो क्या करता है नाइट्रेट्स वगैरह यूज़ करता है, तो ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो सॉइल में होती है ना उसको फिक्स करते हैं और ये जो है ना इसको देते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स क्या करता है प्रोटीन बनाता है, इसीलिए कहते हैं जो पल्सिस होती है ना जो दालें, पल्सिस कंटेन जो है ना 60% क्या 60% जो होती है ना प्रोटीन्स एंड जो है ना 40% कंटेन द स्टार्च, मतलब हमारे जो मेन जो जरिया जो प्रोटीन्स का जो है ना मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स जो होती है ना वो हमेशा पल्स होती हैं, जो दालें होती हैं, दालें जो भी होता है चना हो जाता है ऐसा ही है ना, वो सब के सब जो होता है ना लिग्यूमस फैमिली में आता है। अभी ये जो है ना ये सारा का सारा क्या था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट,
अभी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और मैं अभी आपको जो है ना इसके एमसीक्यूज भी पढ़ के बता देता हूँ। सही है, अभी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे कि इन सर्किल द करेक्ट चॉइस। अब पहला क्या है, एमसीक्यूज है, एन ऑटोट्रॉफ मे बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। अभी ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना वो रखे जाते हैं इन ग्रुप्स में सिवाय, तो इसका आंसर जो होगा ना वो सी होगा, मतलब फंजाए जो है ना उसमें ऑटोट्रॉफ नहीं है, बाकी तीनों में ऑटोट्रॉफ है। मलेरिया इज कास्ड बाय, सेकंड एमसीक्यूज, मलेरिया इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। सही है, सब का सब नेचुरल क्लोनिंग के एग्जांपल एक्सेप्ट जो है ना वो डायजाइगोटिक ट्विन्स। जो डायजाइगोटिक ट्विन्स जो है ना वो क्या है, वो नेचुरल क्लोनिंग का एग्जांपल नहीं है। अब पेनिसिलिन जो है ना ये क्या एंटीबायोटिक्स है, वाज जो है ना डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, फ्लेमिंग जो है ना उसने किया है। एमसीक्यूज नंबर फिफ्थ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड द डिसिप्लिन ऑफ, इसका आंसर जो है वो सी है, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन, तो आंसर होगा डी। सही है ना, एरेटेड जो सॉल्यूशन होता है ना उसके अंदर। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब ये सन्नतें और जो ज़्यादा आबादी जो होती है ना किस चीज़ को बढ़ाती हैं, आलूदगी को, तो इसका आंसर होगा ए। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर एट में क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती है ना ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, इसका आंसर होगा सी, इकोसिस्टम। क्या बनाती हैं वो, इकोसिस्टम। अच्छा, लाइफ इमर्ज्ड एट द लेवल ऑफ, जिंदगी जो होती है नुमाया होती है किस लेवल पर, सेल पर, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। अच्छा, लास्ट जो है एमसीक्यूस नंबर 10 है, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इराडिकेट। अब क्रॉप रोटेशन एक क्या है, मेथड है जिसके जरिए हम जड़ से उखाड़ते हैं किसको, तो इसका आंसर होगा ए, मतलब डिजीज़ जो होती है ना उनको। अभी आपके पास अभी जो है ना कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आपको उसकी आंसरिंग करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।